हेलो एवरीवन, मैं सुमित शाह और आज हम बात करने वाले हैं कि साइलेंट रहने की ताकत क्या होती है, पावर क्या होती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ साइलेंट रहने का ये मतलब नहीं कि हमेशा चुप ही रहो। साइलेंट रहने का मतलब है कि किस जगह पे बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए जानते हैं कि साइलेंट रहने की ताकत क्या होती है। फर्स्ट है, साइलेंट आपको पावर देता है। जब आप साइलेंट रहते हो और फिर जब बोलना चाहिए तब बोलते हो तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हमेशा बोलते रहते हैं, अपना मजाक बनाते रहते हैं क्योंकि वो फ्लो फ्लो में कुछ भी बोल देते हैं और लोग उसी का बात पकड़ के उसके मजाक उड़ाते हैं और फिर बाद में रिग्रेट फील करते हैं, पछतावा फील करते हैं। और फिर देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं, मतलब बहुत कम बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, तो देखिएगा लोग उसको बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ सुनते हैं। ये चीजें जो कम बोलते हैं उनको बहुत पावरफुल दिखाते हैं, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला इंसान बनाते हैं। सेकेंड, साइलेंस आपको एक ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बनाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। साइलेंट मतलब बहुत कम बोलना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ओपन एंडेड सवाल पूछो, इससे क्या होगा कि आप बोलोगे कम सुनोगे ज्यादा। क्योंकि सामने कोई भी हो, जब आप ओपन एंडेड सवाल पूछोगे तो उसका सामने वाला आंसर एक लंबा आंसर देगा और ये चीजें लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसे सुन रहे हो। क्योंकि हर इंसान को चाहिए होता है कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए सुन रहे होते हैं क्योंकि उसके बात खत्म हो और अपनी बात को सुना सके। बोलने के लिए नहीं सुनो, समझने के लिए सुनो और ये चीजें सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप एक ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बनते हो। तीसरी चीज, जब आप साइलेंट रहते हो तो सामने वाले को अच्छे से समझ पाते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पाते हो कि वो क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो। आपने ये चीज देखे होंगे, आप नोटिस किए होंगे कि जो लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बाकी लोगों से ज्यादा किसी की बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। अधिकतर लोग तो सिर्फ बातें करते रहता है, बट जो लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप इंट्रोवर्ट्स बन जाओ, बस आप देखो कि जहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट, जब आप साइलेंट रहते हो तो इसका फायदा यह है कि आप अपने दिल की बात दिल में ही रख पाते हो, अपने बिग ड्रीम्स को अपने दिल में ही रख पाते हो। वो कहते हैं ना कि जब तक लव लाइफ सफल ना हो तब तक रिवील नहीं करना चाहिए, या फिर अपने सपनों को या फिर किसी बात को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें कब होगी, जब आप साइलेंट रहोगे। आपने ये चीज़ देखे होंगे कि जो लोग ज़्यादा बात करते हैं वो फुल फ्लो में कुछ भी बोल देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी अपनी प्लानिंग सारे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट फील करते हैं। तो जो भी बातें लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, बता रहे हो, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और ये चीज कब होगा, जब आप साइलेंट रहना सीख जाओगे। फाइनल, जब आप साइलेंट रहते हो तब आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते हो, अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान दे पाते हो, अपने इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हो। और ये साइलेंस आपको कई बार एक क्रिएटिव पर्सन बनने में हेल्प भी करता है। तो शांत रहना सीखो, जब बोलना चाहिए तभी बोलो और ये चीजें लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ आपको ना ही इंट्रोवर्ट्स बनने के लिए बोल रहा हूँ, ना ही हमेशा चुप रहने के लिए बोल रहा हूँ। बस आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।